राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान की सत्ता में बीते साल से तनातनी चल रही है। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमे में तनाव अभी भी बरकरार है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। माना जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट को कांग्रेस की तरफ से कोई भी बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की मंशा हो रही है। जैसे जैसे अगले विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। एक तरफ पंजाब में कांग्रेस के अंदर खाने घमासान मचा हुआ है, दूसरी तरफ राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर शांति भंग हो चुकी है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहा घमासान विकराल रूप लेते हुए नजर आ रहा है। आलाकमान की मुश्किलें ये भी है कि वो हर कीमत पर विधानसभा चुनाव से पहले दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने का रास्ता ढूंढ रही है। पिछले साल राजीव सातवे के निधन के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस गुजरात का नया प्रभारी नियुक्त करने की सोच रही है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातवे गुजरात मामलों के प्रभारी थे। कोविड-19 के कुछ दिन ठीक होने के बाद राजीव सातवे का निधन हो गया था कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के लिए महत्व रखता है, खास तौर पर जब पार्टी 2017 में हुए पिछले राज्य चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी से सत्ता हथियाने के बहुत करीब आ गई थी। 2017 के चुनाव में राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे, जबकि बीके हरिप्रसाद मोहन प्रकाश को भी दावेदार माना जा रहा था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बार राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट को शांत कराने के लिए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी के लिए वो शीर्ष नेतृत्व कर सकते हैं। इस कदम से गुजरात में कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सचिन पायलट इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने एक सर्विलांस के माध्यम से उनसे बात की है और उनके करीबी ने साफ मना कर दिया है कि वो अपना गृह राज्य छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव को बदला जाएगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य महत्वपूर्ण है। वही कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले इस तरह के बदलाव को लेकर कयास बनने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने समीक्षा बैठक भी बुलाई है। बैठक के बाद ही कांग्रेस में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। पार्टी यूपी और पंजाब में चुनाव के पहले बदलाव करना चाहती है। राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा की माने तो सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रियंका गांधी के साथ यूपी और गुजरात का प्रभारी बनाया जा सकता है। दोनों ही जगह अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।